नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। बीती रात नई दिल्ली में एक मीटिंग होती है गृहमंत्री अमित शाह के घर पर, जिसमें जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार होते हैं। मीटिंग थी कि भाई आज जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का वो तय हो जाएगा, फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन पेच कहाँ फंसा हुआ है, किसके बीच खिचड़ी पकड़ी है? एकनाथ शिंदे के नेताओं की तरफ से बयान आ गया है कि ना तो हम केंद्र में जाएंगे जो ऑफर दिया गया और न ही हम डिप्टी सीएम बनेंगे, हमें महाराष्ट्र की राजनीति में ही रहना है। रामदास अठावले जी ने बयान दिया था कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बन जाना चाहिए, लेकिन इस बयान को सीरियस नहीं लेते एकनाथ शिंदे के नेता। क्या लगता है कहाँ पेच फंसा हुआ है रोहित, कहाँ खिचड़ी पकड़ी है, क्यों इतनी देरी हो? क्योंकि जब भी 72 घंटे बीजेपी को लगते हैं मुख्यमंत्री तय करने में, तब तब नया चेहरा हमें देखने को मिलता है। ये बयान आया है शिवसेना के नेता संजय शिरसाट की तरफ से, तो मुझे याद आ रहा है फिर एक और संजय राउत, जिसने उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर दिया, जिसने उद्धव ठाकरे को आज इस हालात में पहुंचा दिया कि 20 सीट वो जीत रहे हैं, जिसने उद्धव ठाकरे को इस हालात में पहुंचा दिया कि वो अपनी विचारधारा से समझौता कर राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वालों के साथ, उसी तरीके से मुझे ये संजय भी नज़र आ रहे हैं। संजय राउत और संजय शिरसाट, बस टाइटल का फर्क दिख रहा है, काम दोनों एक तरीके से कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि संजय शिरसाट का कोई पहला बयान नहीं है, उन्होंने इससे पहले कहा कि हम कभी नहीं मानेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री ना हो, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। और इसके अलावा रामदास अठावले का जब उस वक्त बयान आया था तब भी उन्होंने उस तरीके के बयान दिए जो आज दे रहे हैं। ठीक वैसा ही बयान ये है जैसे शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा राग अलापते थे संजय राउत, आज वही राग अलाप रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से संजय शिरसाट। संजय शिरसाट को समझना चाहिए कि उद्धव ठाकरे कहां से कहां पहुंच गए, और अगर वो एकनाथ शिंदे को इसी हालात में लाकर छोड़ देना चाहते हैं तब फिर अच्छा है राग अलापते रहें। बाकी एकनाथ शिंदे क्या उद्धव ठाकरे वाली गलती करेंगे, संजय शिरसाट को ही सब कुछ बयान दिलवाकर अपने आप को बर्बाद करना चाहेंगे, ये एकनाथ शिंदे को समझना होगा। क्या खराबी है अगर उप मुख्यमंत्री पद आपको दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री, आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, अगर आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, चलिए मान रहा हूँ, और आपने अच्छी सीटें दर्ज कर ली, लेकिन बात तो यही हुई थी ना, जो 100 से ज़्यादा सीटें अगर आ रही हैं बीजेपी की, तब फिर उनका मुख्यमंत्री होगा कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे बनना चाहिए। 130-132 सीटें अगर लेकर आई है बीजेपी तो बनना चाहिए उनको मुख्यमंत्री। आपने मेहनत की, आपने शिवसेना तोड़ी थी, आपकी मेहनत थी, रंग लाई ने 2.5 साल बनाया, सहर्ष स्वीकार किया देवेंद्र फडणवीस ने कि चलिए ठीक है आपकी मेहनत थी एकनाथ शिंदे साहब, आप सबसे बड़े पद पर रहिए, मैं अपना डिमोशन करवाने के लिए तैयार हूँ, मुख्यमंत्री पद पे थे। फिर मैं कह रहा हूँ देवेंद्र फडणवीस से बड़े नेता एकनाथ शिंदे थोड़ी हो गए हैं, देवेंद्र फडणवीस ही बड़े नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे नेता हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं वागीशा, तो ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे खराब नेता हैं, एकनाथ शिंदे भी अच्छे नेता हैं, अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, उप मुख्यमंत्री अपने बेटे के लिए ले सकते हैं उप मुख्यमंत्री का पद, बेटे को स्थापित कर सकते हैं राजनीति में, भाई 14-19 में तो बेटा जीता ना। कुछ तो बात हुई है रोहित, क्योंकि श्रीकांत शिंदे को भी बीते दिन लेके गए हैं एकनाथ शिंदे जब अमित शाह से मुलाकात हुई। देखिए चुनाव के बाद ये प्रक्रियाएं होती, मैं लगातार कह रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ लंबी प्रतिक्रिया हमें बीजेपी को लगता है, राजस्थान में कोई नहीं था तब भी वहाँ पर 10 दिन लग गए उनको चूज करने में, लेकिन वहाँ थी नाराज, मध्य प्रदेश में कोई नहीं था, चलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वाला मामला चल रहा था, वसुंधरा जी थी ना, फिर भी वहां पर लग गया। यूपी में चीजें कट एंड क्लियर होती हैं, उतना था नहीं, और वहां पर रिस्क ले भी नहीं सकते ना अमित शाह, ना प्रधानमंत्री मोदी, ना आरएसएस, उत्तर प्रदेश में रिस्क लेने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, वहां पर जिनके चेहरे पर चुनाव लड़े उन्हीं के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना है, फिर कोई हाथ पटकता रह जाए, कोई अमित शाह से मीटिंग करते आ रह जाए, योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन वही हाल वहां पर भी है, अगर अभी महायुति में ये दो पार्टियां ना होती और 135-135 अगर ये जीत कराए हैं तो निर्दलीय ले आते वो, और जो निर्दलीय 8-10 आ जाते तो इनका मामला बन जाता, देवेंद्र फडणवीस आज के दिन ले चुके होते, मतलब आज जब हम 29 तारीख को बात कर रहे हैं तो 29 तारीख को शपथ ले चुके होते शिवाजी पार्क या वानखेड़े में जहां भी तय होता, फिलहाल तो 2 तारीख तय है शिवाजी पार्क में, देखना होगा कि कल में क्या होता है, कल मुझे लग रहा है आज शाम कल तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल हो गई, नहीं वो ठीक है कैंसिल हो गई, लेकिन तय हुआ होगा, हां तय हुआ होगा, कल तक चीजें तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस से भी बड़ी चॉइस दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संजय शिरसाट के बयान आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे कहते हैं कि चुप हो जाओ,
मुझे उद्धव ठाकरे वाला हाल नहीं करवाना है, बर्बाद कर दिया उद्धव ठाकरे को एक संजय ने, और दूसरा संजय मेरे पीछे पड़ रखा मुझे बर्बाद करने। मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की आज जो मीटिंग होने वाली थी मुंबई में महायुति के साथ में, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है और वो तुरंत ओडिशा भुवनेश्वर ओडिशा निकल चुके हैं। अब तीन दिन के लिए अमित शाह, वो हो सकता है 2 तारीख को सीधे मुंबई पहुंचे शपथ ग्रहण। मुझे लग रहा है कि 2 तारीख को नहीं होगा, 2 तारीख को शपथ ग्रहण मुझे लग रहा हो जाएगा, कल तक चीजें क्लियर हो जाएंगे। कल तक मुझे लग रहा है कि 30 तारीख है, कल तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बीजेपी भी बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहेगी कि तमाम तरीके से सवाल आए, और अगर ये बात है कि 72 घंटे अगर लगे तो सरप्राइजिंग चेहरा आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या विनोद तांवड़े टांग अड़ा रहे हैं? विनोद तांवड़े तो लगातार लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ये भी सवाल तांवड़े भी बन सकते हैं मराठा चाहिए तो। नहीं नहीं, मराठा के लिए कभी लड़े ही नहीं बीजेपी वाले, और मुझे लगता है विनोद तांवड़े को अगर विनोद तांवड़े खुश सोचना चाहिए, अगर वो मुख्यमंत्री बने उनका तो हित हो जाएगा, बीजेपी को ले डूबेगा भाई। पर अमित शाह के बहुत करीबी विनोद तावड़े भाई, करीबी तो अमित शाह चाहेंगे, करीबी तो केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी क्या केशव प्रसाद मौर्य को? लेकिन अलग अलग राजनीति है ना। मैं कह रहा हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य को अब 6 महीने बना के देख लो, चुनाव से ठीक पहले 2027 वाले चुनाव से ठीक पहले 6 महीने पहले बना के देख लो, और उसके बाद अगर 33 सीटें आई थी ना, अभी 15 सीट अगर आप केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे जीत जाओ तो जो कहो वो कर दूंगा। करीबी होना अलग बात है, राजनीतिक लिहाज से जनाधार बटोरना अलग बात है। अगर संजय ओ क्या नाम तावड़े अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वो अंदर खाने राजनीति चल रहे हैं और अमित शाह के करीब होने तो ऐसी हो रही है, अमित शाह के करीब होने का फायदा उठाकर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें खाड़ा बीजेपी का होगा, अमित शाह का होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। सबसे बहुत एंड क्लियर है कि अब जब एकनाथ शिंदे ने खुद कह दिया है कि हमें मोदी और शाह का फैसला मंजूर है, बीजेपी का सीएम मंजूर है, तो आप बहुत ज्यादा देर मत कीजिए, देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवा दीजिए। देखते हैं कौन बनता है मुख्यमंत्री, तमाम बाकी, तरह के बाकी मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को कह देना चाहिए संजय सरजाट को शांति से बैठ जाओ, विधायक बने हो, विधायक तक रहो या नेता हो नेता तक ही रहो, इसलिए मंत्री बनना है। मुझे वही कह रहा हूँ कि चुपचाप बैठे रहो, मंत्रालय आएगा देख तुम्हें दे देंगे, बर्बाद करने की कोशिश मत करो, उद्धव वाला हाथ मत करो। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। इंतजार तो हम लोगों को लगातार हो रहा है कि आखिर हम दूसरे दिन जाएं कि अब तो खबर करें कि आखिर मुख्यमंत्री मिल गया महाराष्ट्र को। 2 तारीख तक का इंतजार करते हैं, कल तक का भी इंतजार करते हैं, क्या अपडेट है, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए। धन्यवाद।